खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। जिला पुलिस ने लूट के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए अंतर्राज्य गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 देसी कट्टे, 10 जिंदा कारतूस के साथ लूटे गए माल में लाखों के जेवरात भी बरामद किए। अंतर्राज्य गिरोह के 3 आरोपी अजमेर के हैं, जिन्होंने इस घटना की रचना की। वहीं इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि कृष्णगंज थाना अंतर्गत बीके कॉ स्थित गोकुलधाम फ्लैट में अकेली रहने वाली 73 वर्षीय शिक्षिका सुशीला चंडक के साथ 12 जून 2018 को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के दौरान अज्ञात लुटेरों ने हथियारों की नोक पर 9 लाख रुपए नकद और जेवरात लूट कर फरार हो गए। मामले में पुलिस की स्पेशल टीम के साथ साइक्लोन टीम की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया और मुखबिर की सूचना पर कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास के पास मनोज उर्फ देवेंद्र यादव को धर दबोचा। मनोज से गहनता से पूछताछ के बाद उसके साथी संदीप उर्फ लाली और गोविंद सिंह उर्फ लाला को भी गिरफ्तार किया गया। बड़े में थाना किशनगंज के गोकुलधाम में सुशीला चंडक नामक की जो वृद्ध महिला है, उसके साथ बदमाशों ने घर में घुस करके उसके जेवर और नगद राशि लूट कर वहाँ से फरार हो गए थे, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। अभी SHO किशनगढ़ धर्मवीर सिंह व स्पेशल इंचार्ज विजय सिंह के नेतृत्व में टीम बनाएगी, जिन्होंने विभिन्न संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और आज 3 व्यक्तियों को हमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें गिरोह का सरगना मनोज यादव और उसका जीजा संदीप रोय और तीसरा साथी गोविंद सिंह रूपलाला को आज गिरफ्तार किया गया है। इन्हों के यहाँ दबिश दी गई तो मनोज यादव के घर पर मिले, जहाँ पे घर से 2 कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो लूटा गया माल है उसमें से कुछ गहने वहाँ से बरामद हुए। तीनों से पूछताछ में पता चला कि इस वारदात की रचना में मुख्य भूमिका मनोज की थी, जिसने गोविंद और संदीप के साथ मिलकर वारदात को रचा और इसकी सुपारी इटावा निवासी मोहम्मद इसरार सहित 2 अन्य साथियों को दी गई, जिन्होंने हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और वहां से लाखों रुपए सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अजमेर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे 2 देसी कट्टे, 10 कारतूस सहित लूटा हुआ माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह की ओर से सभी पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस 3 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी और इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से संदीप रोय अपने जीजा की सलाह पे मनोज यादव ने इटावा से 3 बदमाश बुलाए, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद में माल वैन में बंटवारा करके और यहाँ पे आराम से रह रहे थे। अजमेर पुलिस की बड़ी सफलता है और जिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, इनको उचित इनाम देकर के सम्मानित किया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।